गुजरात का वडोदरा शहर, जहां आबादी तो लगातार बढ़ रही है लेकिन कुदरती संसाधन लगातार कम रहे हैं। खासकर अगर वडोदरा के जल स्रोत की हम बात करें तो वडोदरा के जल स्रोत लगातार घट रहे हैं। विश्वामित्री को तो हमने दूषित कर ही दिया है, वडोदरा के कई तालाबों को भी कुछ ऐसी ही स्थिति में हमने छोड़ रखा है जहाँ पानी से ज़्यादा गंदगी की भरमार है। ऐसा ही एक तालाब आज आपको दिखा रही हूँ। ये तालाब है गोरवा का दशामा तालाब, जिसकी सालों से किसी ने सूध ली हो ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वडोदरा शहर में विकास के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तालाबों के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। फिर एक बार बजट आने वाला है और फिर करोड़ों रुपए तालाबों के ब्यूटिफिकेशन के पीछे खर्च किए जाएंगे। इस बार आशा करते हैं कि इस गंदे तालाब को भी ब्यूटिफिकेशन में शामिल किया जाए। वडोदरा के गोरवा इलाके में दशामा तालाब है, जो काफ़ी सालों से गंदगी से लबरेज है और यहाँ के लोग हैं लगातार मांग उठा रहे हैं कि इस तालाब की सफाई कर उसके ब्यूटिफिकेशन की ओर ध्यान देना चाहिए। स्थानीय विधायक केयू रोकड़िया से जानेंगे कि आखिरकार इस तालाब को ब्यूटिफिकेशन करने की और सफाई करने की क्या योजना उनके पास है। केयूर भाई, दशामा तालाब बहुत सालों से गंदा है और उसे साफ करने की मांग भी हो रही है, कोई कदम उठाए गए हैं इसके बारे में? देखिए, जब मैं मेयर था तब ये विषय मेरे पे पहली बार मेरे सामने आया था कि दशामा तालाब पे जब हम गणेश विसर्जन करते हैं तब आजू बाजू के जो रईस होते हैं उन्होंने मुझे बताया था कि इसको भी डेवलप करना चाहिए। वैसे ये दशामा तालाब कोई नेचुरल तालाब है नहीं, ये आर्टिफिशियल लेक है और ये एक्चुअल कॉरपोरेशन की ज़मीन पर नहीं है, ये गुजरात हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पे है। तो पिछले कुछ समय से, यानी कितने सालों से मांग हो रही थी कि भाई इसको डेवलप करना चाहिए। इस विषय को लेकर कलेक्टर की जो संकलन की हमारी मीटिंग होती है उसके अंदर मैंने ये आवाज़ भी उठाई थी, कॉरपोरेशन की सामान्य सभा है उसमें भी मैंने बताया था कि इस तालाब को डेवलप करना चाहिए। तब बेसिक प्रश्न ये आके खड़ा हो गया था कि इसकी ओनरशिप गुजरात हाउसिंग बोर्ड की है, अगर गुजरात हाउसिंग बोर्ड परमिशन देगी तो कॉरपोरेशन इसको डेवलप कर पाएगा जी। तब गुजरात हाउसिंग बोर्ड में भी मैंने एक लेटर लिखा है और इसके द्वारा दशामा तालाब का एक जो क्या कितनी लैंड रिक्वायर्ड है उसको डेवलप करने के लिए, तालाब की लैंड, उसके आजू बाजू की वॉकवे और अच्छा ब्यूटिफिकेशन हो सके उसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, ये एक दरखास्त म्यूनसिपल कमिश्नर बना के गुजरात हाउसिंग बोर्ड को भेजेंगे, तब गुजरात हाउसिंग बोर्ड इसको मंजूर करेगी। मेरी गुजरात हाउसिंग बोर्ड के अभी के जो चेयरमैन हैं अश्विनी कुमार जी, जो यहाँ के पहले कमिश्नर भी रह चुके हैं, उनसे मेरी मीटिंग भी हो चुकी है। तब उन्होंने बोला कि कमिश्नर के जरिए आप एक बार दरखास्त भेजिए, तो मैंने कमिश्नर को भी बता दिया था और मेरे ख्याल से अगले हफ्ते दो हफ्ते में दरखास्त बन जाएगी, गुजरात हाउसिंग बोर्ड के पास जाएगी और उसके बाद उसकी परमिशन मिलने के बाद कॉरपोरेशन इसको डेवलप करेगा। यानी आने वाले 5-6 महीने में हम आशा कर सकते हैं कि बनता है कि और समय लगेगा इसमें? 5-6 महीने बहुत कम समय है, उसकी मंजूरी के लिए समय जाएगा, उसके बाद टेंडर प्रोसेस होगा। टेंडर प्रोसेस अभी तो आचार संहिता लग जाएगी जी। 1-1.5 महीने के बाद उससे पहले मेरे ख्याल से परमिशन आ जाएगी। अगर नहीं भी आती है तो आचार संहिता के उठने के बाद, यानी मई के अंदर परमिशन अगर आ भी जाती है तो उसके बाद टेंडर प्रोसेस होगा और उसके बाद काम चालू होगा, यानी साल तो लगेगा। यानी इस गणेश विसर्जन के बाद इस तालाब का हम काम चालू करेंगे, अगले साल के, इस साल के गणेश विसर्जन के बाद तालाब के डेवलपमेंट का काम चालू करेंगे तो अगले गणेश विसर्जन से पहले तालाब बन के रेडी हो जाएगा।
चलिए, काम शुरू हो गया है ये कह रहे हैं विधायक केयू रोकड़िया, और हो सकता है साल डेढ़ साल दो साल में तालाब का ब्यूटिफिकेशन हो, क्योंकि वहाँ काफ़ी गंदगी है, आसपास काफ़ी लोग भी रहते हैं और ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर भी खतरा है, और इसलिए इस तालाब को जल्द से जल्द साफ़ करके उसका कुछ ना कुछ ब्यूटिफिकेशन, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है सिवाय के कचरा डालने के, तो कोई ना कोई ब्यूटिफिकेशन में इस तालाब को भी वडोदरा कॉरपोरेशन और स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनता यूज़ कर सके तो वाकई में काफ़ी अच्छा होगा। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए।